अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिरिन एंड आरिस चैनल। आइए चल के पहले देख लेते हैं हाइलाइट्स इस व्लॉग की। My mom and mommy are coming. They performed Hajj and we are here to the flower shop to get some bouquet for them. We're so excited. We're gonna take I don't know, 2 or 4 bouquets. And I just take care of my cousins and we had a fun. We even uploaded our vlog. Assalamu alaikum and welcome to Sirin and Aris channel. आप लोग देख रहे हैं सिरिन एंड आरिस का चैनल और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ये फ्लावर शॉप में आए हैं आपको उथेम मुरब्बा एरिया के उथेम में। उथेम के बिल्कुल साथ एक फ़्लावर शॉप खुली है, अभी कुछ ही मंथ्स हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ से क्यों ना हम लोग फ़्लावर्स लें मामू और मामानी के लिए, जो आज रात को इंशाल्लाह 2 बजे फ़्लाइट है उनकी, तो वो इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये फ़्लावर शॉप से हम लोग बुके ले रहे हैं। हम 4 बुकेज़ हम लोग तैयार करवा रहे हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से ये लोग फ़्लावर्स का बुके बना रहे हैं। देखिए कितने सफाई से और कितने अच्छे के। ये शॉप में आपको और भी बहुत से फ़्लावर्स मिलेंगे। इस शॉप में आपको बेलून्स, डिफरेंट टाइप के बेलून रैप करना है तो वो भी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल शॉप है। अगर आप लोग विज़िट करने चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। मुरब्बा एरिया के उतेम के बिल्कुल साथ ये वाली शॉप है और इसमें आपको काफ़ी ट्रेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग चॉकलेट्स वगैरह रख के सर्व करते हैं और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो ये एक हमारा एक बुके तैयार हो रहा है। हम लोगों ने इसी तरह के 4 बुकेज़ तैयार करवाए थे। मामू मामानी अभी फ़िलहाल हमने उनको कॉल की थी, वो लोग अभी एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह रात के 2 बजे उनका प्लेन लैंड करेगा। इंशाल्लाह हम लोग 1 बजे तक निकल जाएंगे। तो फ्लावर्स वाले को हमने कह दिया था कि वो हमारे बुके तैयार करें और हम साथ ही उथेम से हम लोग शॉपिंग करने गए थे। उथेम से हमने खाने पीने का सामान खरीदा था। तो फ्लावर्स बुके तैयार होने के बाद हम लोग फ़ौरन घर गए थे। घर में बच्चों ने शावर लेके अपने कपड़े वगैरह चेंज करके तैयारी की हुई थी और साथ साथ मैंने खाने का इंतज़ाम किया, खाना सारा प्रिपेयर किया, डिनर सारा प्रिपेयर करके गए। अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट में हम लोग वेट कर रहे हैं मामू और मामानी का और इंशाल्लाह ये सारे बच्चे भी बुके पकड़ गए और वो माशाल्लाह हाजी आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त ये हम लोग मिल रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं अपने मामा बाबा को देख के। और हम लोगों ने सिरिन ने बुके दे दिए बड़े मामू को और ईशा ने अपनी मामा को बुके दिया है और अयान ने अपनी मामा को दिया है और ये हम लोग मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज खैर खैरियत से हो गया है और मामा बाबा अपने बच्चों को, बच्चे अपने मामा बाबा के पास वापस आ गए हैं। बहुत खुशी है, तमाम खाजी भी हमारे साथ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी का माहौल था कि शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप खैर खैरियत से पहुँच गए हैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमने हाजीज़ को रिसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए अपने मामा बाबा से मिलके। और इसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे तकरीबन 6 बजे सुबह के। चूँकि अभी हम नया नया व्लॉग बनाना शुरू किए तो हमें इतना आइडिया नहीं है कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। हर वक्त कैमरा पकड़ना व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब सारी चीज़ें सिमट गई तो फिर मुझे याद आया कि मैंने खाने का भी व्लॉग बनाना था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी हमारा पिछले व्लॉगों की तरह पसंद आया होगा। मज़ीद आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, सिरिन आरिस की कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए।
हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह उसका व्लॉग